रॉकेट लंच होगा ना जो भारत है ना कहाँ चला ना मुझे पता नहीं बिल्डिंग देख रहे हो ये माल रोड की जो है ना भाई 1885 में भाई सब बिल्डिंग बनी भाई यहाँ हैक करो हैक करो हैक मी मुझे 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 इस मार्केट में सबसे ज्यादा भाई स्ट्रीट फूड मिलता है। गाइस आप सबका नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो भाई अभी जो अपना टेंट लगा चुके हैं और अभी जो है मैं दार्जिलिंग में और यहां से चल रहे हैं दार्जिलिंग की नाइट लाइफ दिखाने। तो भाई चलते हैं दार्जिलिंग की माल रोड बोलते हैं फेमस जो है माल रोड है। अभी जो है हम दार्जिलिंग में हैं और यहां से चल रहे हैं माल रोड की तरफ और अभी भाई रात हो गया है और रात का कुछ ऐसा ही नज़ारा है। माल रोड है और ये कोई कॉम्प्लेक्स है ये मूवी हॉल वाल है यहाँ पे ये जो है पूरा यही माल रोड है। तो यहाँ से और आगे चलना है और आगे की तरफ भाई दिखा रहा है ये देखो भाई यहाँ पे जो है दार्जिलिंग की मतलब कि बहुत सारी दुकानें हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। इधर कपड़े की पूरी मार्केट है और भाई ये देखो और इसके बंदर यहाँ पे चल रहे हैं ये देखो पूरा ऐसा भाई नज़ारा ये देखो भाई ये देखो इधर से ये पूरी मार्केट है यहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है ये भाई देखो जो लोकल चीज़ है वो सब सारी चीज़ें ये देखो भाई इधर ही कपड़े भी मिलते हैं ये देखो इधर से कपड़े हैं भाई जूते हैं ये सब सारी चीज़ें हैं ये देखो इधर से भाई कुछ चश्मे की दुकानें हैं और ये क्या है सब पानी वाला है एकदम ये भाई ये इस तरह की ये लोकल मार्केट है यहाँ पे और ये सब अचार उचार रखे हैं इधर बाहर से भाई ऐसा दिखता है यहाँ पे। अब मार्केट के जो बाहरी दुकानें लगी हैं पूरी ऐसी है मत दुकानें लगी और ये एक ऐसा भाई गेट बना हुआ है और ये इधर ही पूरा रोड है ये भाई जो है क्लॉक टावर है और इसी के क्लॉक टावर में ही पूरी जो है मार्केट लगा जैसे मेला नहीं होता है वैसे ही मेला टाइप भाई ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है माल रोड पर और यहाँ पे जो है खाना मतलब खाना पीना और जो नॉन वेज ये सब सारी चीज़ें जो है इस तरह की भाई सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखो भाई पैर रखने की जगह ही नहीं वेज मोमोज और भाई इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं तो पूरी जो है दार्जिलिंग की भाई मशहूर मार्केट है माल रोड ये देखो भाई इधर से ये ऐसी भाई ये बहुत सारी इधर से देखो ये सब दुकानें कितनी हैं भाई बहुत है। ये देखो भाई कितने प्यारे प्यारे हैं ये सब घर में सजाने के लिए सब सारे आइटम हैं ये सब बिल्डिंग देख रहे हो ये माल रोड की जो है ना भाई 1885 में भाई सब बिल्डिंग बनी थी ये वाली पूरी ये देख सकते हो होटल है इसके अंदर और सबसे पुरानी बिल्डिंग यही है 1885 की माल रोड की भाई ये पूरी इस तरह की यहाँ पे जो है ना भाई लोकल ऐसे कपड़े गर्म कपड़े सारे तो भाई इस तरह के यहाँ पे जो है सारे भी क्या करते हैं मार्केट में सबसे ज़्यादा भाई स्ट्रीट फूड मिलता है तो इस तरह की भाई बहुत बड़ी मार्केट है पर यहाँ पे हमारे खाने वाला कुछ नहीं है ये भाई देखो ऐसे करके भाई ये सब कपड़े की दुकानें हैं सारी ये देखो यहाँ पे गर्म कपड़े की दुकान है स्वेटर है टोपी है ऐसे कुछ और ये देखो यहाँ पे चाय वाय मिल रही है ये भाई यहाँ पे जो है सब नॉन वेज ही मिलता है ये सब जो रखा है भाई ये सब सारे स्टॉल लगे हैं देखो इस तरह के ये देखो कितनी सारी दुकानें हैं मोमो चिकन ये जैसे करके जो है माल रोड के एकदम चौक में पहुंच चुके हैं 20 चौक में ये जो है पूरा ना भाई ये चौक है इसे माल रोड का ये देखो भाई ये पूरा जो है माल रोड का चौक है और ये जो है पुलिस स्टेशन है और यहाँ से भाई ये गेट बना चलो गेट के पास चल के देखते हैं क्या है गेट लगा है और ऐसा ये कुछ भाई ये नज़ारा दिखता है यहाँ से ये पूरा जो है चौक है वो एक चौक है और यहाँ पर भाई ये पूरा ये देखो ये काफ़ी बड़ा भाई चौक है
तो अभी थोड़ा सा अंधेरा इस वजह से जो है थोड़ी सी क्वालिटी शायद कम आ रही होगी। अंधेरे में जो है ना गोप्रो थोड़ा सा कम काम करता है। और ये देखो ये भाई मंडप बना है माता जी का, ये देखो भाई ऐसे। और ये कुछ इनका वो जो टीवी में लोकल चल रहा है। और ये भाई चौक है, बहुत बड़ी ये चौक है भाई। इधर से ये देखो, इधर देखते हैं भाई ये क्या है। और भाई ये कुछ यहाँ पर जो है बैठने वाला बना है, और वहाँ पे जो सेल्फी खींचने के लिए वो पॉइंट है। और ये ऐसे करके भाई पूरा ये रात का नज़ारा दिख रहा है, ये देखो भाई। ये भाई देखो भाई पूरी एक ही बिल्डिंग में इतनी सारी दुकानें बनी हैं इधर से। और इधर से ये मार्केट दिखाते हैं भाई इस तरफ। यहाँ पे भाई जो है ना ऐसा ऐसा खाने में मिलता है कि सोच नहीं सकते। देखो भाई तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है। देखो भाई दुकान, ये देखो भाई यहाँ पे ये सब जो है सारा कुछ एकदम अलग लेवल की भाई ये चीज़ें यहाँ पे खाने वाली जो है मिल रही हैं। ये जितनी है जो है ना ये सब अलग लेवल का है खाने वाला। ये देखो इधर से, ये देखो भाई ये सारा कुछ एकदम अलग लेवल का ही है खाने वाला, बहुत खतरनाक। भाई सोचा था कि यहाँ पर आएंगे तो कुछ खाना वाना खाएंगे, और यहाँ पर भाई देख के तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही हमारी तो खाने के लिए। फिर अपनी भाई पुरानी ही जगह पर आ गए। यहाँ से एक ये गली है मार रोड की इस तरफ, और एक भाई ये दो गली गई हैं। और इस चौक से सीधा वहाँ पे पूरा खूब बड़ा सा जो है पूरा चौक है। और ये देखो भाई यहाँ का कुछ यहाँ पे तो और पैर रखने की जगह नहीं। ये देखो भाई पूरी छोटी सी गली है पूरी सब यहाँ पे। तुम तो चला लेते हो इसको, चला नहीं लेते हो? बड़ा इजी है भैया, हम गिर पड़ते हैं, हम नहीं चला पाते। क्या कर रहे हो? ये बेच क्यों नहीं रहे? साइकिल आप करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन आपको क्या करना है आगे जो चार्ट उस पे पैर। अरे पैर टूट जाएंगे यार। देखिए जब स्टार्ट करेंगे तब एक ऊपर एक नीचे एक चार्ट उसको के पास उसको ऐसे करेंगे तो आगे जाएंगे, जब एक थोड़ा सा आगे जाएगा तब पीछे ऐसे ऐसे ठीक है। अब ऐसे जाएंगे तो गिर जाएंगे और उतरने के वक्त इंग्लिश नो कहाँ इंग्लिश नो हिंदी हिंदी कहाँ यहीं से हो? मैं से नहीं प्रॉपर दार्जिलिंग के हो? लग नहीं रहे हो दार्जिलिंग के। यस आई प्रॉपर नेम स्ट्रेट फ्रॉम हियर। लग नहीं रहे हो? लग नहीं रहे हो मतलब मुझे बोलता है हनी सिंह, बोलता है कोई क्या बोलता है मुझे मतलब रॉकेट लंच करे रॉकेट नहीं रॉकेट लंच होगा ना जो भारत है ना कहाँ चला है मुझे पता नहीं। दार्जिलिंग के हनी सिंह गाना आता है कोई मतलब ऐसा बोलता मुझे। हनी सिंह का फेवरेट सॉन्ग आता है कौन कोई ओके भाई इतने काफी और भी सुना दो। और एक वो था ना एक गान जो एक गान था ना जिस टाइम हनी सिंह ना बहुत डिप्रेशन में गया था उसको मन बीमार हो गया था बट गया था दो साल में ही वो गाना लेके आता धीरे धीरे से मेरे जिंदगी तेज से सुनाओ तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा फील के साथ एकदम दिल से। अरे फील से एकदम दिल से निकले तो मुझे फील अरे फीलिंग पहले पूछना चाहिए तुम फीलर बो बो मतलब बॉय या ब्रो ब्रो अरे आप समझ आएंगे But if you don't wanna tell me
बहुत दुख दे दे लेगी, अभी मुझको बदस नहीं हो रहा है। मिमिक्री भी कर लेते हो, बहुत सारे टैलेंट है आपने तो। डायरेक्ट पे डायरेक्ट, डायरेक्ट पे डायरेक्ट। किसे हुआ? सनी देओल। लेकिन अब एक्सेस होना है ना, एक रूम में आपको शूट इन शूट अच्छा रूम मिलेगा मेरे हिसाब से। नहीं मिलेगा तो मैं गारंटी में बैठता हूँ नाना पाटेकर। ये क्यूट है, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ भाई। हाँ हग करो, हग करो, हग मी, मुझे 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 नहीं मुझे। ठीक भाई, सुबह मिलते हैं फिर। वाह वाह वाह, ओके। ये कौन बोल गया फिर? वेल वेल वेल, वाह वाह वाह, ये कौन बोल गया? वो भी देवल। वाह 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 वाह, कौन बोलता है? सैफ अली खान। सैफ अली खान, ये सुबह मिलते हैं। ये मेरा रियल वॉइस है। और तुमको क्या चाहिए भाई? रूम चाहिए ना, मतलब रूम। भाई आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लेना, जिससे कि भाई वीडियो डाले और आपके पास वीडियो आ जावे। और तब तक के लिए भाई बाय बाय, और मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में।